हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये वीडियो आपको हमेशा काम आएगी, आज से एक साल बाद, दो साल बाद, क्योंकि प्रोसेस लगभग सेम रहता है हर चीज़। क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट है सर, ये ओबीसी वालों को 3 साल की छूट क्यों है, ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं है, फाइनेंशियल कैसे काउंट करते हैं, क्या कुछ है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक आप जुड़े रहें। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर है क्या, ताकि आपको पता चले कि कंटेंट क्या है और आपका टाइम वेस्ट ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिंगरप्रिंट होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे, लाइसेंस कैसे क्या हो रहा है, लाइसेंस रिलेटेड वीडियो अलग से भी बना दिए बट आप यहाँ भी देख सकते हैं लाइसेंस में क्या होगा, ईडब्ल्यूएस कौन सी क्रूशियल डेट है, ओबीसी कौन सी क्रूशियल डेट है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, क्या कुछ है, क्या चीज़ आपको नहीं भूलनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हो गया, सही हुआ, गलत हुआ, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे डरे हुए हैं उनको मैं एक बात बता दूं भाई, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक आधा कोई बच्चा निकल रहा है 500 के बैच में से, जो 130 फिजिकल करके आ रहे हैं उनमें से मुश्किल से कोई एक आधा दो चार बच्चे निकल रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात कर लेता हूं मैं ओबीसी की। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूं, आपको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैंने लगाया था अपना 10th, देन उसके नीचे 12th, देन उसके नीचे मैंने अपनी ग्रेजुएशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12th की अगर मार्कशीट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो 3 साल बाद अलग से आती है वो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है चलेगी, दौड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर किसी की गुम हो रखी है तो आप अपनी फोटोस्टेट ला सकते हैं, डिजी लॉकर से उनको दिखा दें कि मेरा ये चीज़ गुम हो रखी है, मैं आपको ला के दे दूंगा, तो आपको 5 या 10 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। बहुत अपील अथॉरिटी है वहाँ पे, अपेलेट अथॉरिटी, तो वहाँ पे आप जाके अपील कर सकते हैं कि सर मेरी ऐसे ऐसे दिक्कत है, उनको सच बताएं, जेन्युइन प्रॉब्लम बताएं, आपकी ज़रूर सुनवाई करी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन लगाया, फिर मैंने अपना आईडी कार्ड लगाया था। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर ऑफिशियल लिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी, आप जाके देख सकते हैं। फिर मैंने अपना आईडी कार्ड लगाया वहाँ पे, कि आईडी कार्ड आप देख सकते हैं कि क्या है। आईडी कार्ड में मैंने अपना क्या कहते हैं वोटर कार्ड लगाया था। आईडी कार्ड के बाद आपका नंबर आएगा ओबीसी, क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या आपकी जो भी कैटेगरी है उसका, देन आपका लाइसेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी फोटोस्टेट लगेंगी, सेल्फ अटेस्टेड, खुद साइन करने कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रिंसिपल वगैरह के साइन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल आपको साथ ले जानी पड़ेगी, कुछ बच्चे 10-12 के ओरिजिनल ले लाए थे उनको दिक्कत आई थी, ओरिजिनल आपको साथ लेके जानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई एनसीसी वगैरह कुछ अलग से स्पोर्ट्स कोटा है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि डीवी में अगर किसी को लगता है कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, भाई 100% आप फिजिकल देने जाएं, डीवी आपका लास्ट में होगा, पहले रनिंग है, हाई जंप है, सॉरी लॉन्ग जंप है, देन हाई जंप है, चेस्ट एंड हाइट है, उनके रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं डेडिकेटेड, तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। ओबीसी की क्रूशियल डेट है 3 साल पहले, 3 ईयर्स बिफोर लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन। एक तो बच्चों ना, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मतलब छोटे भाई समझ के, बड़े भाई समझ के, जो भी जैसे वीडियो देख रहा है उसको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। जो भी आपकी ड्रीम जॉब होती है, जिसके लिए भी आप तैयारी करते हैं, आप मान लो फिजिकल कर रहे हैं, टेस्ट दिया होगा, क्योंकि टेस्ट ऐसे तो नहीं होता, आपने सोचा तो होगा, तो उनके आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। एज ए टीचर अगर मैं वीडियो बनाता हूँ दिल्ली पुलिस लाइसेंस के ऊपर, तो मेरे को मान लो पता है कि दिल्ली पुलिस लाइसेंस होगा, मुझे लगता है ये तो सबको ही पता है और मैं बताना भूल गया, कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़ने की हैबिट बनाएं 100%, ठीक है। दूसरा, नोटिफिकेशन से पहले आपको 1 महीना मिला था ओबीसी बनवाने के, आपने नहीं ध्यान दिया, ईडब्ल्यूएस बनवा सकते थे, लेकिन अब आपको लग रहा है। दूसरी एक चीज दिमाग में गांठ बांध ले लाइफ लॉन्ग के लिए, मैं आपको बता रहा हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, जो चीजें आपके हाथ में नहीं होती, बारिश होना या कुछ भी, लाइट नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल इश्यू है, कल हमारा फिजिकल था, टेक्निकल इशू की वजह से हम 9:30 बजे तक रात को फ्री हुए हैं, क्यों, टेक्निकल इशू था, तो था भाई, क्या कर सकते हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं यार, वो भी तो अपनी ड्यूटी देके घर जाना चाहेंगे, वो सिर्फ हमारे लिए परेशान हो रहे हैं, हम वहाँ पे हैं, लेकिन इन जिन चीज़ों पे आपका कोई आपके हाथ में नहीं है उन पे रिएक्शन देना छोड़ दो, कुछ भी लगा लो। अब ईडब्ल्यूएस है, आपने पहले नहीं बनवाई, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं, आपको नॉलेज नहीं थी, कोई इशू नहीं, आपको अभी नॉलेज एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते थे, आप अपनी पुरानी ईडब्ल्यूएस ले जाएं, अभी टाइम है तो नहीं बनवा लें, दोनों ईडब्ल्यूएस ले जाएं, मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना ही तो कर सकते। अगर आपने दोनों ईडब्ल्यूएस बनवा रखी है फिर भी आप बार बार कहीं कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस का क्या होगा क्या होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर आप अपने माइंड को गलत ट्रेन करना सिखा रहे हैं, क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें हैं और आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपको बता देगा बंदा कि ये चलेगी नहीं चलेगी, आपको कुछ भी सोल्यूशन दे देगा, आप वो नहीं कर सकते, आप अपनी दोनों ईडब्ल्यूएस रख सकते हैं, ऐसे ओबीएस लाइसेंस वालों का है ना। तो बाकी
आप अपनी ओबीसी ईडब्ल्यूएस नई भी बनवा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। वहाँ पे आपको टाइम भी दे दिया जाएगा, शायद 4 से 5 दिन का 10 दिन का आप अपील करेंगे तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 1 साल, ओबीसी 3 साल पहले का मान्य क्या होता था, ओबीसी पहले सिर्फ 6 महीने पहले का चलता था, लेकिन एसएससी पे कुछ बच्चों ने केस किया था कि सिर्फ 6 महीने पहले का, तो वो केस जीत गए थे। तो 3 साल पहले तक का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर चल सकता है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर से काउंट होता है। तो अभी ये मैं श्योर नहीं हूँ कि 2019 से, क्योंकि कल मैंने पूछा था तो किसी ने बताया था कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे 2019 वाले भी देखे हैं, उनका कहा कि कोई नहीं सर, उन्होंने फोटोस्टेट ले ली थी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, प्लीज़ एक बार डीवी देने जाएं। लाइसेंस के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, लर्निंग और बाइक का लाइसेंस हो, लर्निंग हो, ओनली बाइक हो, ओनली लर्निंग का पता नहीं, लेकिन ओनली बाइक ओनली कार आपका लाइसेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डीवी, आप सबसे पहले आपका क्या होगा, मैंने आपको प्रोसेस बताई, इसके बाद क्या होगा, जैसे आप अपनी फोटो स्टेट सबमिट करवा देते, आपकी 2 फोटो लेंगे, फोटो आपकी वहाँ पे पिन कर देंगे। फोटो के बाद आपको बोला जाएगा कि फिंगरप्रिंट कराओ। जैसे आप फिंगरप्रिंट कराओगे, वहाँ पे आपका फोटो, एडमिट कार्ड का फोटो लेके फिंगरप्रिंट करके आपका एक बैंड दे दिया जाएगा, येलो कलर का बैंड दे दिया जाएगा। उसके बाद इसका मतलब है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आपका कंप्लीट। उसके बाद आपके कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको फिर भी 1 से 2 घंटे, किसी को 4 घंटे 5 घंटे लग सकते हैं। काम क्या है कि जैसे ही आपने फोटो स्टेट दिए, इन फोटो स्टेट की डिटेल्स एसएससी की साइट्स पे चढ़ा अपलोड करनी होती है, दिल्ली पुलिस के जो वहाँ पे डीवी ले रहे हैं उनको। एक बच्चे के अपलोड करने में 8 से 10 मिनट लगते हैं, आपके आंखों के सामने अपलोड करेंगे, किसी की आंखों के सामने नहीं भी कर रहे। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ से प्रिंट आउट निकलता है, उस प्रिंट आउट को आपको देखना होता है कि आपका सही है कि, उस प्रिंट आउट को बहुत ध्यान से देखना, आपकी अगर कोई डिटेल उन्होंने गलत भर दी तो आप रिस्पॉन्सिबल है। उस प्रिंट आउट को ध्यान से देखें कि हाँ मेरा ये सही है, मेरी सारी डिटेल सही है, उसके बाद आप अपने साइन कर सकते हैं और आप फ्री हैं। कोई स्लिप वगैरह तो हमें नहीं दी गई थी, तो बिल्कुल उसके बाद आपका डीवी कंप्लीट है। यही डीवी का प्रोसेस रहेगा हमेशा के लिए। बट आगे से आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी फॉर्म फिल करते हैं और आपको लग रहा है कि जो बच्ची है और मैं शायद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो भी आप अपना ईडब्ल्यूएस ओबीसी और लाइसेंस वाली गलती आपको नहीं करनी आगे से, ठीक है। और जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अगर आप प्लीज़ आप, मैं कहूँगा हर बच्चा जिसके कोई भी दिक्कत है डॉक्यूमेंट की, प्लीज़ आप फिजिकल देने 100% जाएं। बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है आपके लिए। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। दूसरा, आपको पता लग जाएगा कि आप 70% में हैं जो बाहर हो रहे हैं, 30% में जो पास कर रहे हैं। अगर आप 30% में जो फिजिकल पास कर रहे हैं, तो ये आपके मोरल को और बूस्ट कर देगा, चाहे आप डीवी में बाहर हो जाएं। और आप 70% में अगर बाहर हो रहे हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा है, आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा, आपको जो मतलब एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाँ सच में मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, मेरी रनिंग अच्छी नहीं है, मेरी फिजिकल लॉन्ग जंप अच्छी नहीं है, हाई जंप नहीं है, आपको सच में पता लग जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप जरूर देने जाएं और जुड़े रहें मेंटर 365 के साथ। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, आप जुड़े रहें। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज रिलेटेड मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो आपकी बना रखी है, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा रखी है सिलेबस कंपटीशन के बारे में, तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे मेंटर 365 टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने मेरे पर्सनल नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू बच्चे, जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू।